ये हमारे घर का बादाम का काजल तो बन करके रेडी है और बहुत शानदार, बहुत प्यारा काजल बना है। मैं तो जी फैन हो गई हूँ उस काजल की, सीरियसली। और उसको काजल ही नहीं, आप इसको एज ए आईलाइनर भी लगा सकते हो। तो लास्ट में मैं लाइनर की तरह भी इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी। सीरियसली, आप भी फैन हो जाओगे इस काजल के, और कोई नुकसान भी नहीं है। अनेक ढेरों फायदे हैं बादाम के काजल के आंखों के लिए, हम सबको पता है। मार्केट के काजल की तरह नुकसान भी नहीं करेगा। स्मच प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। और क्या चाहिए हमें इस काजल में? जो क्वालिटीज़ हमें एक काजल में चाहिए होती है, वो सारी क्वालिटीज़ इस काजल में है। तो मैं तो अब से यही काजल यूज़ करने वाली हूँ, सीरियसली। घर का बना बादाम का काजल, तो फ़ायदे मैंने, मतलब तारीफ़ें मैंने बहुत ज़्यादा कर दी। आप एक काम करिए, लगाना भी आपने देख लिया है कि कितना अच्छा बना है, ये भी आपको पता चल गया। ब्रश से मैं अप्लाई कर रही हूँ, आपके पास ब्रश नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप हाथों से भी बेजी जगह अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब बना भी लेते हैं। बादाम का काजल बनाने के लिए आपको पहले एक या दो, जितनी भी बादाम लेना है उतनी बादाम का काजल बनाना है, उतनी बादाम लेना है। देन उन बादाम को घी में लपेट लेना है। हमने दो का बादाम का काजल बनाया है, एक का हम ऑलरेडी बना चुके हैं और दूसरी का भी हम बना रहे हैं। देन आपको इस बादाम को आग में जलाना है, जब तक कि ये बादाम खुद से आग पकड़ना स्टार्ट नहीं कर देती। क्योंकि हमने बादाम में घी लपेटा है तो बादाम ऑटोमेटिकली खुद से जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको जलाने के लिए कैंडल का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको गैस पर भी जला सकते हैं। और जलाने से पहले आप इसको चिमटे से, यहाँ पर मैं प्लकर से इसको पकड़ा हुआ है क्योंकि बादाम छोटी है। तो जिस भी चीज़ से आप इसको पकड़ें, उसे पकड़ने के लिए आप कपड़े का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि बादाम की जो आँच है उससे जो चिमटा है या प्लकर, वो गर्म हो जाएगा और फिर आपके हाथ जलने लगेंगे। तो इसको पकड़ने के लिए आप कपड़े का ज़रूर यूज़ करें। देन जैसे आप बादाम यहाँ पे ऑटोमेटिकली चढ़ना स्टार्ट हो गई है, बादाम ने लौ पकड़ ली है। देन इस तरह से ग्लास पे एक प्लेट को रखकर आप स्टैंड बना लें, और इस प्लेट पर हमें बादाम की लौ को दिखाना है, बादाम की आँख को दिखाना है, ताकि जो काजल है वो हमारा प्लेट के ऊपर इकट्ठा होता रहे। जब तक कि बादाम खुद से पूरा जल करके फिनिश नहीं हो जाती, अपने आप ये जल करके पूरी ख़त्म हो जाएगी, तब तक आपको इसको प्लेट के ऊपर इस तरह से दिखाना है, ताकि जो काजल है वो हमारा प्लेट के ऊपर इकट्ठा होता रहे। और जैसे ही बादाम अपने आप जल के फिनिश हो जाएगी, तो इस काजल को आपको पहले ठंडा कर लेना है। देन ठंडा करने के बाद, प्लेट के ठंडा होने के बाद, आपको प्लेट को उठाना है। तो हमारा काजल बन गया है, प्लेट ठंडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारा काजल बन करके तैयार है। अब चम्मच की हेल्प से इस काजल को हम दूसरी प्लेट पर निकाल लेंगे, और पूरा जितना काजल है दूसरी प्लेट पर पूरा काजल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी एक बादाम का काजल रेडी है, दूसरा ये बादाम का भी हमने निकाल लिया है। देन इसमें बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा हम घी डालेंगे। जितना कम आप इसमें घी डालेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्मच प्रूफ और हार्ड आपका काजल बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा घी डालकर इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको मिला लेना है। यहाँ पे हम ईयरबड की हेल्प से इसको मिला रहे हैं, आप चाहें तो चम्मच की हेल्प से भी इसको मिला सकते हैं। तो बहुत थोड़ा सा, बिल्कुल ज़रा सा आपको घी डालना है, कि बस ये थिकनेस इसमें आ जाए और ये मिल जाए एक दूसरे से। बस इतना घी आपको डालना है, बहुत थोड़ा सा। देन आप चम्मच से अच्छे से मिला कर, मिलाने के बाद आप इसको हाथों से मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो इसका मिलना बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको मिलाना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी दाने या कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी नहीं रहे, कोई भी हार्डनेस इसमें नहीं रहनी चाहिए। बहुत ढीला, बहुत अच्छा आपका हो जाना चाहिए काजल, और बहुत कम घी यूज़ करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, जितना कम घी आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा स्मच प्रूफ आपका बनेगा। एंड देन सेकेंडली, आप घर का घी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट बेस्ड घी यूज़ ना करें, कोशिश करें कि गाय का घी यूज़ करें। गाय का घी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो गाय के दूध का घी आप यूज़ करें। तो अब हम इसको बनने के बाद हम इसको एक डब्बी में, छोटी सी डब्बी में, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो लो जी भाई, बन करके तैयार हो गया हमारा काजल, हमारा बन करके घर का काजल, हमारा बादाम का बन करके रेडी है। और पसंद आया हो तो सभी के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अभी कहीं जाइएगा नहीं जी, अभी हम इसको ऐसे आईलाइनर भी मैं आपको लगा करके दिखाने वाली हूँ, जैसा कि मैंने बोला था। तो चलिए एज ए आईलाइनर इसको अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे मैं कैमरे में देख के लगा रही हूँ, तो मेरा हाथ ठीक से बैठ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मेरा जो शेप है आईलाइनर का, वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, क्योंकि मैं कैमरे में देख के लगा रही थी इस वजह से। बाकी आप इसको आपको ब्रश से ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज एज ए लाइनर आप लगा रहे हैं। तो बाकी अगर कोई जुगाड़ हो ब्रश के अलावा, तो आप वो भी, उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बन करके सीरियसली बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छे से एज आईलाइनर भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो गया है। बट रुकिए, वेट कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो ज़रा रुकिए, ज़रा सुनिए। पसंद आया हो तो गिव इट अ थम्स अप लाइक मी।
सो गाइस इस काजल को और भी लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है, और या वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, अगर आप इसको कम घी में बनाओगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बिल्कुल स्मच प्रूफ है, काफ़ी लॉन्ग आज तक टिकेगा। बाकी इसके अलावा काजल से रिलेटेड और भी क्या क्या हैक्स होते हैं, किसी भी काजल को आपके पास कोई और काजल भी है उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाया जाए, या काजल से रिलेटेड बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैक्स होते हैं कि जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, उस पर एक प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ काजल के ऊपर। वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, और ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड इतना सारा प्यार और सपोर्ट जो आप लोग दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर चैनल। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।